आप यहाँ अलीगंज आए हैं और जो संदीप गुप्ता जी की हत्या कर दी गई थी उनके परिवारजनों से मुलाकात हुई है, क्या आपको बताया गया, क्या आश्वासन दिया? देखिए, घटना काफ़ी दुखद है, मर्माहत करने वाला है और जिस तरह की घटना हुई है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जिनकी हत्या हुई है वो एक मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे, मिलनसार थे, किसी तरह का घर वालों ने बताया कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अकारण उनकी हत्या करना, बदमाशों के द्वारा हत्या करना, अब तक पूरे तह तक ना पहुंचना, अभी जो खुलासा भी हुआ है परिवार वालों का यह कहना है कि जो लोग दोषी हैं अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए? कौन सा ऐसा कारण है कि परिवार के लोगों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है? हमारी मांग है कि अविलंब दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और जो लोग इस घटना में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी तो हो ही, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा लाकर जल्दी से जल्दी सजा का भी प्रावधान कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है और श्री संदीप गुप्ता जी की हत्या, इसके पहले भी अन्य घटनाएं जो रोज़ उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे, चाहे कानपुर में हो, चाहे कासगंज में हो, आगरा में हो या अलीगढ़ में हो, यह अपने आप में एक उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मुख्यमंत्री केवल हवा हवाई दौरे, हवा हवाई बातें और अपराधियों पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रहे हैं। सरकार का एतबार पूरी तरह समाप्त हो गया है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। परिवार के लोगों ने जो मांग की है अविलंब उस पर न्याय मिले। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी।